नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने दोबारा से कुछ दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी लेकर के आया हूँ। इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल की भी वैकेंसी है दोस्तों, तो वैकेंसीज़ के डिटेल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन हर एक तरह की वैकेंसी की सबसे पहले आपको मिले और आप उस वैकेंसी का लाभ सही टाइम पर ले पाएँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज सबसे पहली जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल गजरौला जो डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में है, यहाँ से आई हुई है दोस्तों। यहाँ से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है और इसमें 15 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 5 ईयर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है दोस्तों। और जो है एक्सपीरियंस आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल का होना चाहिए। और इस वैकेंसी को अगर आप फिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपना रिज्यूम या बायोडाटा जो है इस एड्रेस पे भेज देना है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, 10 सेक्रेटरी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, एफ ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली 11065। और विथ ए कॉपी टू पीर प्रो वीसी डीपीएस गुजराला ऑन, यानी आपको इस एड्रेस पे भी भेजनी है और मेल पे भी भेजनी है। मेल एड्रेस है दोस्तों kscmbd@gmail.com है दोस्तों। और अप्लीकेशन के ऊपर में आप अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल डीपीएस गजरौला ज़रूर लिखें दोस्तों। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो है TGT PRT की सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है और क्वालिफाइड स्कूल काउंसलर, नर्सरी टीचर, एडमिन ऑफिसर और अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है दोस्तों। और ये जो है पोस्ट 2345 आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है और ईमेल आईडी आप नोट कर लें, DPS Gajrawala GAJRAULA 2018@gmail.com है दोस्तों। यहाँ नीचे आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं जी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है औरंगाबाद पब्लिक स्कूल, यहाँ से आई हुई है। और ये स्कूल जो है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में है, नॉन रेसिडेंशियल बंगाली मीडियम स्कूल है। यहाँ से जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, साइंस और आर्ट टीचर जो है उनकी वैकेंसी है। और आप इस वैकेंसी को अगर फिल करना चाहते हैं तो आप अपना बायोडाटा जो है मेल आईडी पे भेज दें। और मेल आईडी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, APS Jangipur 2021@gmail.com। और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 7501592656 पे कॉल कर सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और आवेदन शेष तारीख जो है, लास्ट डेट 12/1/2021 है दोस्तों, उससे पहले आपको भेज देना है अपना बायोडाटा। और आज की जो लास्ट वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूँ, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से आई हुई है। और ये जो स्कूल है ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बिहार का नहीं। और यहाँ से 2021 और 2022 के लिए वैकेंसी है। और आप अगर BEd क्वालिफाइड हैं तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PGT वैकेंसी देखते हैं। PGT के लिए यहाँ फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक और इंटरप्रेन्योरशिप और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। नेक्स्ट जो है TGT की वैकेंसी है, जिसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, मराठी, कंप्यूटर साइंस। और PRT में हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, मराठी, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें लाइब्रेरियन, स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, स्पेशल एडुकेटर, IT हेड, PRO, HR, अकाउंटेंट, एक्टिविटी टीचर, म्यूजिक, आर्ट, डांस, मार्केटिंग, एडमिन, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन एज पर CBSE नॉर्म के हिसाब से आपको
होनी चाहिए। और आप इस वैकेंसी को अगर फिल करना चाहते हैं तो मैं ईमेल आईडी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं info@dpsaurangabad.org और hr@dpsaurangabad.org है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर 7066033477 है दोस्तों। तो मैंने जितने भी तीनों स्कूल बताई, तीनों अच्छी है, तीनों वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। वैकेंसी फिल करने संबंधी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं दोस्तों, और जो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद।